अब हम पढ़ेंगे द माउंटेन एंड द स्क्वेरल पोयम की समरी को। द माउंटेन एंड द स्क्वेरल इज अ पोयम इन विच द स्क्वेरल एंड द माउंटेन फाइट ईच अदर टू असर्ट देयर सुपीरियरिटी। कहने का मतलब है कि पर्वत और एक गिलहरी के बीच इस पोयम के दौरान एक गिलहरी और एक पर्वत के बीच लड़ाई हो जाती है ये देखने के लिए कि इन दोनों में ज़्यादा श्रेष्ठ शक्तिशाली कौन है। वन डे देर वॉज अ क्वेरल बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वेरल। अब यहाँ से इस पोयम की समरी शुरू हुई है। तो वन डे एक दिन की बात है कि एक पहाड़ पर्वत और एक गिलहरी के बीच एक झगड़ा हो जाता है। द जिग्नेटिक माउंटेन कॉल द टाइनी स्क्वेरल अ लिटिल प्रिग। विशालकाय पर्वत गिलहरी को एक तुच्छ जीव कहकर पुकारता है। द स्क्वेरल हुज नेम इज बंस इज दैट वाइल इट इज़ नॉट एज बिग एज द माउंटेन इज नॉट एज एनर्जेटिक एज द स्क्वेरल। जबकि गिलहरी जिसका नाम है बंस वो कहती है कि पहाड़ इतना भी बड़ा नहीं है जितना वो सोचता है। पहाड़ जो है गिलहरी के पहाड़ बड़ा होने के बावजूद भी गिलहरी की तरह इतना ज़्यादा एनर्जेटिक यानी तेज नहीं है। इन ऑर्डर टू मेक अप अ ईयर आई स्पेयर ऑल काइंड ऑफ थिंग वेदर मस्ट बी टेकन इन अकाउंट। वो कहती है गिलहरी पहाड़ से कि एक स्पेयर यानी पृथ्वी को बनने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है चाहे वो वेदर हो या और छोटी छोटी चीज़ें ही क्यों ना हो। द टैलेंट ऑफ द बोथ द माउंटेन एंड द स्क्वेरल आर वेरी डिफरेंट। दोनों के जो टैलेंट है वो बिल्कुल अलग अलग है माउंटेन के भी और स्क्वेरल के भी। इफ द स्क्वेरल कैन नॉट कैरी द फॉरेस्ट ऑन इट्स बैक। अगर स्क्वेरल अपने कमर पर जंगल को नहीं उठा सकती जैसे पर्वत उठाता है तो पर्वत भी गिलहरी की तरह छोटे छोटे नट्स को नहीं तोड़ सकता। तो हमारी पोएम की समरी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपने पोएम का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मैं पहले ही उस वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ इस चैनल पर ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।